सात छह दिन बाहर जाएगी। इसी के भी फिर से टूरू टाइगर हूँ, वह धीरे धीरे अपना मैच में भी सुधार लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और क्यों मैं यहाँ पर समय अब फर्स्ट हाफ का चल रहा है, इसे मैं दोनों टीम पहला गोल का वो तैयारी कर रहा था। अच्छी गेंद को पढ़ा था लेकिन सृजन फिर से बॉल को आगे बढ़ाए जरूर था और तब तक मैं फ्री की किस बार मिल जाएगा। टूरू टाइगर टीम के तरफ से इस बार शॉट करने के लिए सानिल मुर्मू, शामिल का शॉट और ज्योति मरंडी गेंद को जाने दिया गोल लाइन से बाहर क्योंकि शॉट में उतना प्रभाव नहीं था और गेंद थोड़ा सा साइड हुआ था। जुगेन का पास वहां पर बोरो खेला फिर से कमल श्रीजोर वहां पर गेंद को हल्का सा उठाने का प्रयास किया था। ग्राउंड के अनुसार जो ये डायल साइज का मैच है यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ दोनों टीम के खिलाड़ी वो ज्यादा लंबी गेंद खेलते नहीं है, ज्यादातर वो छोटा पास देने का प्रयास कर रहा है, शॉर्ट पासेस वो खेल रहे हैं क्योंकि खिलाड़ी हमेशा जब कभी भी वो ग्राउंड में उतरते हैं तो सबसे पहले वो ग्राउंड को स्टडी करते हैं, ग्राउंड का सारा चीज को देख लेते हैं, इसके बाद वो अपना खेल को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इस ग्राउंड में अगर आप ज्यादा लंबी बॉल खेलें तो ऐसे में आपका खेल नहीं बनेगी, जितना ज्यादा आप छोटा पास ज्यादातर ग्राउंड पास अगर आप बनाते हैं तो ऐसे में अपना टीम खिलाफ गोल भी कर सकते हैं। और वहाँ पर एक जबरन तरीके से गेंद को लेने का प्रयास किया था और एक भारी टैकल वहाँ पर जिस तरीके से गाय को वहाँ पर गिराया गया था। आराम से आराम से। अच्छा और उसी की बात है, इस टूर्नामेंट में आज गर्ल्स टीम को भी आप देख पाएंगे तो मैं चाहूंगा गर्ल्स टीम के जितने भी टीम के मैनेजर टीम के श्री जतन मरंडी जगन के जगह में इस बार खेलने के लिए श्री जतन आगे हैं ग्राउंड में एक फ्रेश खिलाड़ी के तौर पर और यहां से ऑफसाइड गोल होने पर भी ये गोल अमान्य होता, हालांकि यहां पर विलंब से ये डिसीजन जरूर आई लेकिन एक सही डिसीजन डिसीजन विलंब हुई अलग कथा करना मैं चाहिए सही डिसीजन कथा है कि मेरा जस्ती हड़बड़ ही था गड़बड़ ही गया और देर से जरूर लेकिन एक सही जजमेंट खुशी की बात है ऑफिसर टीम यार में देविका नेहलम जी इनका फ्लैग जहवा में रेज हुआ था और तत्पश्चात वहाँ पर संतोष सोरेन इस मैच का जो अंतिम रहती है उसका उसका हुसी वहाँ पर आई थी।
फिर से गेंद पोजीशन संजीत सोरेन, संजीत वहां पर सजाद केलर और फिर से वहां पर गेंद का पोजीशन इस समय सृजल टूर जीता जरूर था और ऐसा बोल दे दीजिए, अगला बोल दीजिए। तीन दो उका कुड़ी क्वार टीम से तेरे करना दो टीम रन मैनेजर ले बड़ा चीज पे आप पे रिपोर्टिंग है आप कम से कम है कहता आप पे लय चुका फिर जे आप पे इतना बनते हैं तो भी घर बात मान के आप तो गाती हो तो वा उन्हें तासो को देने हर वा तीन दो कुड़ी क्वार टीम रन टीम मैनेजर से टीम के पे जहां जो मना पे था आप पे हजुआर पे लय चुका तो उन्हें लगाते हैं जान ले बुझा आप पे सतर्क ना बनते कमल गेंद को क्लियर किया था वहां से और एक थ्रो ही इस बार जीत लेंगे टूडू टाइगर टीम। स्केल सोरेन 11 नंबर जर्सी पर निकाली स्केल भी बहुत ही अच्छे प्यारे हैं। इस नाम को मैं शायद पहले भी सुना है लेकिन शक्ल से मैं उनको पहचान नहीं रहा हूँ। स्केल सोरेन 11 नंबर और यहाँ पर यह बेहतरीन गोल और जर्सी नंबर 9 पहने खड़े शिव जफर मरंडी इस टूर्नामेंट का स्केल सोरेन बोलता के सप्लाई क्या है फिर से श्रीजोल का एक लंबी गेंद बोला सोरेन के लिए और स्केल उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। बड़ा गेंदबाज टीम की तरफ से फिर से इस बार टूडू टाइगर बॉल को जीतने के बाद पास जरूर बढ़ाया था लेकिन संजीत बड़ा यहाँ पर संजीत सोरेन है सनी सनी वहां पर शिव जतन को ढूंढने का प्रयास किया था और ऐसे फिर से श्रीजोल पेनल्टी बॉक्स में गेंद को क्लियर किया जाएगा और यहां पर सही रिसीविंग नहीं हो पाए। टूडू टाइगर टीम की तरफ से 14 नंबर जर्सी पहने खड़ी जो है अभी सब्स्टिट्यूट बेस आया है माइकल टूडू संजीत सोरेन 5 नंबर जर्सी पहने खड़ी लता प्ला टीम से बहुत ही एक पगला खिलाड़ी है। हेलो स्टेज को लिंगा नखा हजू हजू बड़ गेल लहर दल खा देबे बा से हर देखि जे है दुबारे बाय हेड जाम को बोलता बा तीनो बन और बाय सोरेन चला दूसरा नीच पास बाहर और इस तरीके से गेंद को आगे बढ़ा दिया जाएगा। सजाद वहां पर गेंद को ले नहीं पाया और सजाद वहां पर श्रीजोल बोलो सोरेन ने गेंद को बढ़ा दी फिर से यहां पर ये होगा बेहतरीन गोल सेकेंड गोल भी हो गया है और शिव जतन मरंडी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं एक गोल टेकर है और इस दूसरे हाफ का मुकाबला में ही यहाँ पर इनके नाम 2 गोल हो गया है तो आप समझ सकते हैं बड़ा गेंदबाज लताबला टीम खेला है ये एक बड़ा ही लकी खेल साबित हो रहा है और टीम के जो मैनेजर हैं या कैप्टन या उनके जो साथी खिलाड़ी हैं उनका एक अच्छा रणनीति क्योंकि जब कभी भी मैच पर ऐसा खिलाड़ी मौजूद हो तो उनको भी जगह देना एक फ्रेश खिलाड़ी के तौर पर ग्राउंड पर उतरना
जहाँ से जोगेन सोरेन ने भी बहुत अच्छा खेल दिखाया था और जोगेन भी एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन जब आपके पास एक फिर से अच्छा खिलाड़ी हो बेंच पर, तो उनको भी समय देना, जगह देना, ये टीम के मैनेजर या टीम के कैप्टन का ये अच्छा सोच है और वो सोच यहाँ पर वो सफल हुआ है। ब्लू टाइगर टीम का खेलने में और परेशानी बढ़ता जाएगा क्योंकि ये मुकाबला का समय अब आप समझ सकते हैं दूसरे हाफ का मैच है और इस तरीके से फिर से बोड़ो सोरेन गेंद को वहां से सजाने का प्रयास कर रहे हैं। बोड़ो का क्रॉस आएगा लेकिन एक आसान सा गोलकीपिंग सुजीत मरंडी सीजन के लिए सनी मिस पास हुआ और गेंद को क्लियर किया जाएगा। सुरेश हंसदा 15 नंबर दर्शी पाने का चाड़ी पुरु टाइगर टीम से बोड़ो का बेक पास और यहाँ से संजीत सोरेन सजात पिछले सनी संजीत के लिए गेंद है और संजीत का डायरेक्ट पोस्ट में आक्रमण लेकिन बोल जाएगी क्रॉस बार के ऊपर से गोल लाइन से बाहर, वहां पर कोई खतरा नहीं। अगला मैच के लिए भी दोनों टीम आप रेडी रहेंगे। एफसी दुमर घाटी और एफसी मुर्मू ब्रदर कारी पहाड़ी इस टूर्नामेंट का जो अगला मैच होगा उसके लिए भी दोनों टीम अब तैयार हो जाएंगे। खिलौ गया समय इनको बोल बैठे कौन चलाओ दी ना हमारे थे इधर तो मुश्किल बढ़ती थी आज टुडू टाइगर टीम चितान दे उसका को नेले कुरवा सिरमारी नील मिसाल साफ होते तक का तो नील पट्टी उसका तो जैसे रे का नकुदो टुडू टाइगर टीम बाल गोल को ताने मटा गया फोन रंग रहा जर्सी ने बड़ा केंद्रवा लता लता दो बाल गोल को लहा गया और वहां मैच रे का दो सब्स्टिट्यूट बैच को बढ़िया गोल बिना तो उन्हें कोई अभी उससे अभी गोल गोल होगी तो आप टुडू टाइगर टीम तो फिर तो मैच बराबर या और बांगा ने उन्हें कौन बड़ा केंद्र वाला था अपना टीम जगह तो बिना वहां अनुमा अगला राउंड लगे लगी संजीत संजीत उन्हें तो अभी श्रीजोल जाती क्या मेहनत है मेहनत हम बोले तरह बोले जाने के ना उन्हें कौन तो डूटाई करती सजात मरण दिए उन्हें बोल कंट्रोल ले गया मेहनत लहा से बोल सप्लाई दिया क्रम रे चला बोल पे चंटर बार से प्रोग्राम किया मार हो तो डूटाई करती से स्केल मदर जैसा पढ़ाई स्केल उन्हें कर सुन जाते लगे वे बैठे उन्हें कर रहा हूँ शिव जतन मरंडी शिव जतन और वे सजात लगी अभी मोज पास ढाल ना आठ वाल का फिर से कमल कमल तो सनी लगी सनी हो उन्हें कोई शॉट ट्रायल लग गया तुम्हारा गोल की पूजा मां टूडू टाइगर अगला मैच के लिए दोनों टीम से अनुरोध है समय अब हो गया है आप आने का प्रयास करेंगे डगआउट में एफसी डुमर घाटी और एफसी मुर्मू ब्रदर कारी पहाड़ी ये बात है उनका खिलौ भी हुआ उन्हें तो एफसी डुमर घाटी और एफसी मुर्मू ब्रदर कारी पहाड़ी तरह रही हुआ अदो बना टीम टीम कैप्टन टीम मैनेजर खिलाड़ी को वहां डगआउट पर रखा कुड़ी को टीम है ये काम और चले लिए साफ सुबह तक मैच दिया लंबी भी स्टिल मैच रेफरी